लोग आपके पास आए सर, उन लोगों ने उम्मीदें रखी सर आपके पास आए, क्या उन पे कार्रवाई होगी सर? ये देखिए सबसे ये ट्रांजैक्शन ये ठीक है जी बुजुर्गपुर। अब रही बात बैठिए बुक करवा लेंगे मैं प्रेसिडेंट साहब से बात कर। मैं मानता हूं इस जगह को एक ब्रांच तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए, साथ एटीएम भी लग जाए ताकि आप 20-30-40 हजार रुपया कैश भी निकाल लो। उसके अलावा ये दिन और रात काम करेगा ये लड़का, और अगर कोई और लड़का भी इसके साथ बीसी की और पोजीशन है ऊपर के लिए भी करो थोड़ा सा ये आगे की तरफ भेजिए। आप अपने कोई पढ़े लिखे लड़के को तैयार करिए, उसको भी दे देंगे। जब तक ब्रांच बनने में 2-4-5 महीने लगते हैं तब तक ये लोग काम करेंगे, आपका छोटे खर्चों का और छोटे छोटे पैसे जमा कराने का मसला हल हो जाएगा। बेटा तुम का भी है रोड है हमारा 9 किलोमीटर का, इसमें रिपेयर्स का इश्यू था पहले भी और इस साल भी हमने इसको रिपेयर करवाया है। अभी रिसेंटली फिर इश्यू आया है और जैसे ही हमारा ड्यूटी का प्रोग्राम शुरू होगा मार्च में तो हम इसको रिपेयर्स जो है वो करवा लेंगे। दूसरा हमारा रोड जो इस वक्त चल रहा है पनासा टू पुरानकोट, इसमें रोड है 20.6 किलोमीटर लेंथ है और उसमें हमने ऑलमोस्ट सारी जीएसटी कर ली है और अपना उसके ऊपर जो दूसरा लेयर जो है वो हमारा WBM का है, वो चल रहा है काम और उसकी करेक्शन प्रोफाइल करेक्शन भी हो जाएगी और जैसे भी बीटी का सीजन शुरू होगा मार्च में और उसमें ये बीटी हो जाएगा पार्ट में किलोमीटर ये सर 20.6 पूरा पूरा हो जाएगा। और उसके बाद सर हमारा स्टेज पार्ट टू है, इसके बाद 9 किलोमीटर का, उसमें हम इस वक्त स्टेज 1 किलोमीटर में पहुंच गए हैं और होपफुली हमारा वो नेक्स्ट ईयर वो कम्प्लीट होगा। नहीं पूरा बीटी कर अर्थ कटिंग तो हमारा ये जून तक हो जाएगा, मार्च तक नहीं हो सकता हार्ड रॉक भी तो होपफुली मुझे लगता है जून तक हमारा कंप्लीट हो जाएगा ये अर्थ वर्क का और नेक्स्ट सीजन में जो है इसकी बीटी होगी। लाइए बताइए नाम बताइए बेटा। तो नहीं जिसके घर में वो सुकूल है ना चल रहे हैं ना उसने भी नहीं उठाना है, क्या नाम है उसका? भाई दिया नहीं सर मैं वही कह रहा हूँ। आप बोलिए आपके नाम लोगों को बता दे रहे हैं ना, हम इनको बताओ पूछ के बताइए आप हमें। चलिए तो सर जैसे वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हम उनको दे देते हैं डिसमेंटल, हमने इंस्टॉलमेंट दे दी गिराना है ना, घर गिराने हैं 2-3 घर रह गए हैं और बाकियों का भी जो सेकंड इंस्टॉलमेंट है। सूर्य राम हेलो सर कहाँ है बताइए, खड़े होने चाहिए उनके पास चले जाइए मदद करिए उनको, अगर वो अपना ईंटे निकालना तो पेमेंट कर देंगे। इनका पॉइंट नहीं मिला है क्योंकि अभी पार्ट वन का काम चल रहा है, अभी वो 1.5 किलोमीटर हम पीछे हैं लेकिन फिर भी हमने नाले में से 3 मशीनें चढ़ा के हमने वो हम इस वक्त 16 किलोमीटर उसमें अर्थवर्क कर चुके हैं। टेक ऑफ पॉइंट में क्या है अभी उसका टेकअप शुरू होगा ना तो वो 1.5 किलोमीटर का गैप है, ये जो 1.5 किलोमीटर हमारा मार्च एंडिंग तक हो जाएगा। 1.5 किलोमीटर में टाइम लगेगा उसमें हार्ड रॉक कितनी जाएगा? हाँ चलिए फर्स्ट पार्ट 5-15 तक गाड़ी में जा पाएंगे, डेट फिक्स कर लो जुगल।
16-17 मार्च को ऐसी साहब बताएंगे इकट्ठे चलेंगे एक ही गाड़ी में। डिसाइड ये करना गाड़ी कौन चलाएगा, आप या मैं। और उसका टेक ऑफ पॉइंट और जो 16-15 मार्च अगर हम टेंटेटिव डेट रखते हैं तो उसके बाद हमारे ये जो है इसके पक्का वक्त जो है पूरी रोड 48 किलोमीटर ये सर मार्च 25 कटिंग अर्थ कटिंग वाला अर्थ कटिंग का गुड़ बना के बैसाखी का मीठा जो है इसमें है जिस बगली ग्राम में जिनका हाजी साहब जिक्र कर रहे थे ल्योटा स्कीम ये हमारा सिविल पार्क जो है ये 15 फरवरी तक खत्म हो जाएगा सर। उसके बाद इलेक्ट्रो मैकेनिकल जनाब ने रास्ते में खंबे देखे होंगे बिजली का काम चल रहा है सर, मैकेनिकल की मोटर हुई बड़ी जल्दी आ गया। अभी मेरे साथ ही अगर भी मैकेनिकल आए हुए हैं तो ये स्कीम 31 मार्च से पहले तुम्हें पता है कल माननीय उपराज्यपाल जी ने कहा है कि स्कीमें अपने टाइम पे कम्प्लीट नहीं होगी तो उसमें ऑल ऑफ यू विल बी आस्क्ड क्वेश्चंस एंड डिफिकल्ट तो फिर तुम जाओ ना माता का नाम ले। आप कोशिश करिए कि इस फाइनेंशियल में हम इस स्कीम से पानी दे पाए दो पाए सर। तो इसके अलावा सर नासा में स्कीम है इसका भी राउंड अबाउट को 75% काम हो चुका है सर, ये भी इसका भी मैकेनिकल का पार्ट होगा तो ये स्कीम में फंक्शनल हो जाएगा। टाइमलाइन सर हमारा तो 15 मार्च से पहले पहले सारा सिविल पार्ट खत्म होगा। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ बजरी का जो काम है वो ऑलमोस्ट सारा हमारी जेजेएम की स्कीमों में हो चुका है। अब हमें एक बिजली का जो एक्सिम साहब कह रहे हैं आपको दे देंगे और हम कोशिश में लगे हैं कि मोटरें हमारी टाइम पे आए, जैसे जैसे मोटरें आए उसमें हमारी यही कोशिश रहेगी। और मैंने जैसे आप लोगों के सामने ही बताया कि हमने डेट रखी है कि 15 मार्च तक हम कंप्लीट कर लें तो मुझे उम्मीद पानी की सप्लाई पहुंचेगी और साफ पानी की सप्लाई पहुंचेगी। मेरी सिर्फ एडवांस में आप लोगों से एक विनती रहेगी कि आने वाले टाइम में जब पानी की सप्लाई आपके घर तक पहुंचे तो जो आपकी ग्राम में समिति है इसको मॉनिटर करें और जो भी किराया है कोई और आपका पानी है संभाल के इस्तेमाल करिए, लॉन्ग टर्म इस्तेमाल करिए। हम तो खुशकिस्मत है कि हमें पानी मिले रहा है, अच्छा करें और अच्छे तरीके 31 मार्च के बाद फिर आएंगे और इधर नहीं आएंगे पनासा से आगे जाएंगे तब तक वो चीजें भी रिव्यू हो जाएंगी और जो जो आप लोगों के साथ कमिटमेंट है आप लोगों को डिप्टी कमिश्नर ऑफिस चल के आने की जरूरत नहीं है। अगला दिन में एक दिन रखा करेंगे जब मैं अपने दफ्तर से उन सब अफसरों के साथ जैसे ये ब्लॉक दिवस होता है ब्लॉक दिवस के अलावा एक दिन होगा ना मैं आपके पास आऊंगा ना आपको अपने घर से निकलना है तो अपने फोन से आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो मेरे से सीधे बात करेंगे जैसे आज कर रहे हैं इंडिविजुअल लेवल पे। उसका नाम जो डोडा में मैंने रखा था जैसे हमारे बुजुर्ग ने कहा था डीसी ऑन कि आप वहां वहां जाते थे जहां जहां कोई नहीं जाता था तो वो जो डीसी ऑनलाइन मेरा सिस्टम था उससे कि आप लोग अपने तरफ से कंट्रीब्यूट करेंगे और कोई भी इशू होगा उस लिंक के थ्रू हम लोगों को ज्वाइन ग्रीवांसेस पे जब और हम कोशिश करेंगे कि आपके जितने भी मसले हैं जो हल होने वाले हैं। चांद तो हम तोड़ क्योंकि हम आशिक है नहीं, हम बात करते हैं जो सच्ची होती है तो जो जमीनी सतह हो सकता है वो बहुत बहुत शुक्रिया। ठोकर से पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर सदर महफल तहसीलदार साहब ठाकरा कोट प्रेग्नेंट मदर और लैक्टेटिंग मदर कर रहे हैं। कितने आंगनवाड़ी सेंटर विजिट किए सर? अभी हमारा ना सेकंड राउंड चल रहा है जैसे ईयरली 2 राउंड्स इन आंगनवाड़ी सेंटर्स एंड 1 राउंड इन स्कूल्स। सो यू डन विद द फर्स्ट वन? यस सर। अनवर, कितने आंगनवाड़ी सेंटर है इस ठाकराकोट तहसील में? कौन है इधर CDPO? कौन है बुलाइए जरा CDPO को। मैं ये चाहूँगा कि यू टेल पीपल एक तो डाइट्री हैबिट्स के लिए बात करो, डाइट्री हाइजीन टू द गर्ल्स दैट मस्ट बी एन इशू ओवर देयर तो
what can we do in CSR वो मुझे बता दीजिएगा. If we put some vending machines in schools, will that help? मुझे उसका वर्कआउट कर लो, we can always provide that. एक तो ये, दूसरा ये जो ब्लड आपका चेक कर रहे हो ये हर स्कूल में करो. मशीन तुम्हारे पास है ये HB वाली? हाँ है. चेक कर रहे हो ना सबका, तो ऊपर करिए. डॉक्टर साहब आप के कम जाया करें, ठंड है बड़ी ना, इसलिए हमारा ये अच्छा है. सीएमओ सर को, सीएमओ सर के आज हमारे डीजू सर आए हैं. सीएमओ सर आज वो आपको विद इन ए वन डे आपको पूरा उसका स्टेटस बता देंगे कि क्या इसका राइट. आपको जम्मू भेजी हुई है, चली गई, हाँ, चली गई है. जैसे ही उधर से आ जाएगी हमें को इन्फॉर्म कर, तो उसमें व्हाट्सएप कर दो. हाँ हम कर देंगे मोबाइल नंबर ना. ठीक है, मैं राजीव जी से खुद बात करूँ. हाँ ठीक है सर. सर सूरज की रखूंगे जनाब के होते ही हमें ब्लस्ट जल चीज में, उसके लिए मैं जनाब बड़ी है, हम दे देंगे आप. जनाब ने कमिटमेंट कर ली है सर. उसके बाद सेंटर सर जिज 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 ए लाड़कुंभा के दरम्यान में सर, वो भी हमारी फाइल इनका आपने आपके पास पहुंच गई है, वो भी जम्मू में, मुझे पता है सर. उसके सीएमओ सर को, सीएमओ सर के आज हमारे डीजू सर आए हैं. सीएमओ सर आज वो आपको विद इन ए वन डे आपको पूरा उसका स्टेटस बता देंगे कि क्या इसका राइट. आपको जम्मू भेजी हुई है, चली गई है. जैसे ही उधर से आ जाएगी हमें को इन्फॉर्म कर, तो उसमें व्हाट्सएप कर दो. हाँ हम कर देंगे मोबाइल नंबर ना. ठीक है, मैं राजीव जी से खुद बात करूँ. हाँ ठीक है सर. सर सूरज की रखूंगे जनाब के होते ही हमें ब्लस में जल चीज में, उसके लिए मैं जनाब बड़ी है, हम दे देंगे आप. जनाब ने कमिटमेंट कर ली है सर. उसके बाद सेंटर सर जिज 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 ए लाड़कुंभा के दरम्यान में सर, वो भी हमारी फाइल इनका आपने आपके पास पहुंच गई है, वो भी जम्मू में, मुझे पता है सर. उसके कितने आंगनवाड़ी सेंटर विजिट किए सर? अभी हमारा ना सेकंड राउंड चल रहा है, जैसे ईयरली टू राउंड इन आंगनवाड़ी सेंटर्स एंड वन राउंड इन स्कूल. सो यू डन विद द फर्स्ट वन? यस सर. अनवर, कितने आंगनवाड़ी सेंटर है इस ठाकराकोट तहसील में? कौन है इधर CDPO? कौन है बुलाइए जरा CDPO को. मैं ये चाहूँगा कि यू टेल पीपल, एक तो डाइटरी हैबिट्स के लिए बात करो, डाइटरी हाइजीन टू द गर्ल्स दैट मस्ट बी एन इशू ओवर देयर. तो व्हाट कैन वी डू इन CSR वो मुझे बता दीजिएगा. इफ वी पुट सम वेंडिंग मशीन्स इन स्कूल्स विल दैट हेल्प? मुझे उसका वर्कआउट कर लो, वी कैन ऑलवेज प्रोवाइड दैट. एक तो ये, दूसरा ये जो ब्लड आपका चेक कर रहे हो ये हर स्कूल में करो. मशीन तुम्हारे पास है ये HB वाली? हाँ चेक कर रहे हो ना सबका, तो ऊपर करिए. डॉक्टर साहब आप छुट्टी कम जाया करें, ठंड है बड़ी ना, इसलिए हमारा ये अच्छा इलाज है. इधर बैठिए आप. हमारे अब मूवमेंट शुरू हो जाएगी ना आगे. जी जी सर, इनको टैग करेंगे, जब टैग करेंगे तो फिर इनका रिकॉर्ड कहाँ गया सर? सर तुम्हारे तो फिर चलो ये क्या है इसमें लोगों को दे देंगे तुम इसमें. यहाँ पे मैं देख रहा था ये इलाका कैंपी और ऑर्गेनिक है. हां सर इसमें लिए हमने दो विलेजेस किए आइडेंटिफाई. कौन से है सर? एक है पनासा और एक है सर ये बंदार से. ऊपर चलो ना थोड़ा सा पैदल. तुम में से लकी कोट कौन कौन गया है एग्रीकल्चर वाला? तुम गए हो? दुखट्टा से आगे क्या है? जी दुखट्टा उसके सामने डकी कोट आता है, उसके प्रांत डकी कोट गए हो? दुखट्टा डकी कोट का ही एरिया. अरे भाई जो मेन विलेज है डकी कोट, प्रांत कोट गए हो? नदी पार करके जो डकी कोट आता है. आपने कैंप ओवर किया? कितने फार्मर्स हैं वहाँ पे डकी कोट? डकी कोट के टोटल सर हमारे 239 से ऊपर फार्मर्स. क्या बनाते हैं? क्रॉप क्या करते हैं? क्रॉप सर
मेज होती है एक तो एक वीट करते बंदर है यहाँ पे जी सर बंदर है बंदर उस साइड नहीं सर नहीं इधर इतने ऊंचे बंदर इंसान नहीं चढ़ रहे तो बंदर कहाँ है धर्माड़ी में भी लिखा था धर्माड़ी वाले लोगों ने बोला हमें बड़ी प्रॉब्लम आ रही है पलासा में है सड़क में तो आराम से गाड़ी पे चढ़ के आ जाएंगे ऊपर नहीं जाएंगे जितने आप लोग हैं आपके जितने भी यहाँ पे एग्रीकल्चर इरफान इनको सिक्योरिटी चाहिए होगी वो आप दिलवा दीजिए राइट सर डक्की कोट प्राण कोट नारकोट इन सब गांव में लोगों को कनेक्ट करेंगे जो भी है आपके जो जितने पैदल वाले हैं वहाँ पे आप सारे जाएंगे और सिर्फ आप ही नहीं जाएंगे इंटायर एग्रो सेक्टर विल गो इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी मुझे हर आदमी चाहिए ठीक है तुम देख लो ठीक सर जितने गांव वाले हैं उनको देखो कि हम कैसे मदद कर सकते हैं हम कोशिश करेंगे कि सड़क पहुंच जाए सड़क पहुंचने से पहले पहले मैं चाहता हूं उनका क्रॉपिंग पैटर्न ऐसा करवा दो कि उनके पैसों का जो आमदन है वो बढ़ जाए एक तो तुम्हारा इस एरिया में ये बर्फ पड़ती है ऊपर एक तो उसके ऊपर काम करो लेवेंडर के ऊपर रादर देन ऑन दिस ग्रास लेवेंडर पे काम करिए दूसरा वहाँ पे हॉर्टिकल्चर की तरफ से कौन है भी चीफ का है आपकी टीम हरवंश जी की टीम दोनों उसकी सरफराज की टीम और एनिमल हस्बेंड्री की टीम ये जाएगी उन सारे गांव में जहाँ पे पैदल है कोई इशू नहीं आएगा आपको सिक्योरिटी का हमारे एसडीओ साहब देख लेंगे तहसीलदार साहब अपनी टीम भी रखेंगे पटवारी भी अनिल तुम्हारा पटवारी भी उधर होना चाहिए जो कंसर्न है जहाँ पे ये जाएंगे ठीक है ये 15-20 दिन में कैंप लगा दो सारे और मुझे वहाँ का एक डिटेल्ड प्लान चाहिए बाय फरवरी एंडिंग कि हम क्या अगले साल की क्रॉप लगा रहे हैं जो नई वाली है आई वांट एमएलएचपी कितने लोगों को टच किया अभी तक आपने इधर अच्छा इसमें कर रहे हो वो एचपी वाली मशीन है एचपी कितने लोगों का चेक किया करो सबका चेक खासकर ये जितनी लेडीज हैं सबका एचपी चेक करवाओ ठीक है ना स्पेशली ऑल दोस्त दूसरा आप मुझे ये बताइए आयरन की क्या पोजीशन है एनीमिया की सर सीवियर एनीमिक तो नहीं चल रहा कोई नहीं है स्कूल्स में आपके जो जाते हैं वो कोई जाते हैं आपने एमडी किस में किया डॉक्टर साहब व्हाट आर यू डूइंग ओवर देयर यू आर द मेडिकल ऑफिसर मेडिकल ऑफिसर पनासा कहाँ के रहने वाले श्रीनगर ड्यूटी देते हो सच्ची बताना तो मुझे पता लग जाए जनाब इनको अटैच कर देते हैं उधर पौनी तो ये 50,000 की आबादी है हमारा एक पीएचसी है तो ये बहुत तो हमारे लिए मुश्किल आता है यहाँ का लोकल डॉक्टर है कोई नहीं सर नहीं ऐसा पढ़ाया नहीं आपने अपने बच्चों पढ़ाया नहीं तो फिर क्या करें अब ये आए हैं नहीं ये बीच में इसको बुलाते हैं शौकत तो मुझे पता है आपको एक दूसरा डॉक्टर देते हैं इसको ले जाते हैं नहीं नहीं इसको भी नहीं ले जाना और दूसरे और देना आप आपने 50,000 की आबादी देखनी है मैंने 5,00,000 की आबादी देखनी है वो देखो सर और भी है ना डॉक्टर यही थोड़ा है डॉक्टर है ही नहीं है तुम्हारे पास एनीमिया की मेडिसिन बांटिए स्कूलों में स्कूल खुल गए सारे स्कूल टच हो गए नमस्कार आदाब अस्सलाम वालेकुम आप देख रहे हैं पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़ जो इस वीडियो को इस वक्त देख रहे हैं मैं उनका भी स्वागत करना चाहता हूं जो बाद में देखेंगे उनका भी स्वागत करना चाहता हूं आज हमारे साथ जो ब्लॉक दिविस्ता डिप्टी कमिश्नर रियासी साहब हैं और इन्होंने यहां पे जो डाक बंगला की इनॉग्रेशन भी किया है सबसे पहले सर आपका पहाड़ी एक्सप्रेस में स्वागत है सर बहुत बहुत धन्यवाद सर जिस तरह से रियासी के अंदर आप आए हैं और चेंजिंग देखने को मिली है सर इसके बाद सर आप कहाँ कहाँ पर प्रोग्राम जैसे जिज एक बहुत पसमंदा है डक्की कोट कोर्ट के लोग आपके पास आए सर उन लोगों ने अमेदे रख के सर आपके पास आए क्या उन पे कार्रवाई होगी सर ये देखिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि लोगों के काम आप कितनी जगहों पे पहुंच पाए वो एक बात है आप कितने लोगों के काम करवाए पाए वो ज़्यादा ज़रूरी है ये मुझे बताया गया कि ये जो मेरे पीछे आपकी बिल्डिंग दिख रही है डाक बंगले की कितने 2 साल से तैयार हुई है तो मैं शुक्रिया करता हूँ एक्सियन साहब का अपने तहसीलदार का हमारे एसडीपीओ साहब हैं और डीडीसी मेंबर जिन्होंने ये बताया कि ये बिल्डिंग यूज़ करने के बिल्कुल काबिल है तो आज हमने इसको इनॉग्रेट कर दिया है ये तहसीलदार साहब आज इसकी चाबी ले लेंगे और जब तहसीलदार और एसडीपीओ संरक्षक होंगे तो बिल्डिंग तो अच्छी चलेगी
इसका इस्तेमाल करेंगे। उसी तरीके से जो मसले ब्लॉक दिवस में उठाए गए, उन ब्लॉक दिवस में उठाए हुए मसलों में जहाँ जहाँ इमीडिएट कार्रवाई हो सकती थी वो कर दी हमने, जहाँ जहाँ थोड़ा सा वक्त लगेगा उसमें हमने एश्योरेंस दिए। आज के ब्लॉक दिवस की जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि टाइमलाइंस डिसाइड की गई हैं कि सड़क है तो वो कितनी देर में बनेगी, बिजली का कनेक्शन कब तक आएगा, अगर कहीं पानी का इशू है तो वो कब तक होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे अफसरों ने जो कमिटमेंट की है उस पर खरे उतरेंगे और जहाँ के जो लोग हैं यहाँ पर रहने वाले और यहाँ के जो नुमाइंदे हैं उन्होंने जो सुनी है बात वो मुझे ज़रूर अप्राइज कराएंगे कि जहाँ जहाँ पे भी करेक्टिव एक्शन लेना है वो लिया जाए। सर जो जिज के अंदर सर ठेकेदारी काम है, एक पंचायत घर है, एक कन्फ्रेंस हॉल है, अभी तक उनका काम सर शुरू नहीं हुआ, जैसे आज भी आपने डायरेक्शन दी कि कल से काम शुरू किया जाए, जल्दी होगा सर? कल आप जाइए और फाउंडेशन स्टोन मैंने BDO साहब को कह दिया है, वो काम शुरू करवाएंगे। नारियल तोड़ो सेरेमनी होती है वो, तो मैं उम्मीद करूंगा कि कल ही हो जाएगा, अगर किसी वजह से ठेकेदार थोड़ा दूर है तो परसों हो जाएगा, लेकिन इस हफ्ते में वो काम ज़रूर शुरू होगा और बन के कम्प्लीट भी होगा। सर एक रड पुल से जो पनासा तक रोड की कंडीशन जो है बुरी है, जिस रोड पे आप आए हैं सर, इस पे भी सर क्या रोड का काम शुरू होगा सर, DP ये वगैरह सर? रोड का काम अभी इमीडिएटली तो कल नहीं शुरू कर पाएंगे या हो पाएगा, लेकिन ये ज़रूर करेंगे कि उसमें जो इम्प्रूवमेंट करनी है, एक्शन साहब से भी चर्चा हुई है, उसमें NHPC वालों का अगर कोई रोल है उनसे भी बात की जाएगी, और अगर किसी और डिपार्टमेंट का रोल है तो वो भी बात की जाए। सर डक्की कोर्ट के अंदर आप मसला आया कि वहाँ पे लोगों को आधे से ज़्यादा जो है लाइट नहीं है सर, वहाँ पे आपने भी डायरेक्शन दी कि लाइट वहाँ पे लगेगी सर क्या? सबको लगेगी, आपके देखिए अगर आप देखेंगे तो हर गांव कवर हुआ है, कुछ घर अगर रह गए हैं किसी वजह से तो उनको कवर किया जाएगा और इंश्योर किया जाएगा कि हर व्यक्ति ये जो तरक्की ये जो डेवलपमेंट का महोत्सव चल रहा है उसका फायदा उठा। थैंक यू सर। इस वक्त हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर रियासी बात कर रहे थे और आप देख रहे हैं पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़। मुझे दीजिए इजाज़त, तालुक सेन को जय हिंद जय भारत।